वेलकम बैक टू माय चैनल आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नर्सिंग फाउंडेशन वॉल्यूम टू बी नर्सिंग सेकेंड शाम आज से यूनिट स्टार्ट हो रही है नर्सिंग फाउंडेशन में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे यूनिट वन चैप्टर वन हेल्थ असेसमेंट जनरली डिस्कशन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस करेंगे क्योंकि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में एज पर सिलेबस ही आता है और जो भी चीज़ आपके सिलेबस में मैंशन है प्लीज आप उसको स्किप मत करिएगा वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिर आप कोई भी यूनिट हो कोई भी टॉपिक हो उसको स्किप इसलिए मत करिएगा क्योंकि वो टॉपिक मे भी आपका टेन मार्क्स फाइव मार्क्स थ्री मार्क्स या फिर एम सी क्यू कवर अप कर सकता है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ईजी है बट हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से आना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका प्रैक्टिकल भी होगा प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों आपका फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट का होगा इसीलिए ये सब्जेक्ट थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा बायो केमिस्ट्री और न्यूट्रिशन से सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट एस स्टार्ट आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट वन हेल्थ असेसमेंट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेल्थ असेसमेंट की डेफिनेशन से तो हेल्थ असेसमेंट होता क्या अगर मैं बात करूँ हेल्थ असेसमेंट में हम लोग असेसमेंट का मतलब ही होता है जिसमें आप डेटा को कलेक्ट कर दो हेल्थ स्टेटस को चेक कर दो पेशेंट में पर्सन में कि कैसी उसकी कंडीशन है डेफिनेशन आप स्क्रीन पे देख रहे जो नंबर वन इसका है वो बहुत ही सिंपल इजी आप उसको लर्न कर सकते हैं हेल्थ असेसमेंट इज अस्टमेटिक

इवल्युएट uh, करते हैं या फिर कह सकते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि उनकी हेल्थ प्रमोट हो रही है या फिर उनको कोई डिजीज कंडीशन नहीं है या उनका कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है तो ये सब चीजें हेल्थ असेसमेंट की कौन करता है हेल्थ वर्कर करते हैं पेशेंट में नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पर्पस अगर आपको आ, बात करूं पर्पस की तो आपको इसके पर्पस खुद से ही आते होंगे क्यों क्योंकि जब आपने क्लिनिकल पोस्टिंग करी है तो आपने हेल्थ असेसमेंट बहुत करा होगा पेशेंट्स का जब आप हिस्ट्री कलेक्शन फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए जाते तो आपको पता होगा कि ये सब चीजें क्यों जरूरी है हम स्टार्ट करते हैं वन बाई वन बैट द पॉइंट सबसे पहले बात करूँ असेसमेंट पर्पज की क्या है असेसमेंट पर्पज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट आपका इन्फॉर्मेशन को रिगैदर करना रिगैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू द क्लाइंट हेल्थ नेक्स्ट पॉइंट है आपको क्लाइंट के डिटरमाइन करना है कि उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग है कि नहीं है ऑर्गेनाइज वे में आपको डेटा कलेक्ट हो जाता है सबसे पहले अगर आप देखते हो तो आप कहाँ से शुरुआत करते हो उनके नेम से एज से सेक्स से आईपी नंबर से तो वो सब चीज़ें आपको क्या हो जाती है क्लियर हो जाती है और आपके पास कैसा रहता है एक ऑर्डर फॉर्म में रहता है आपको इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होती है आप उससे इजिली नर्सिंग डायग्नोसिस कर लेते हो नर्सिंग डायग्नोसिस वो होती है जो हम लोग एन बनाने से पहले एक बनाते हैं उसके लिए दो इम्पॉर्टेंट होता है आपको एक प्रायोरिटी वाइज बनानी होती है प्रायोरिटी वाइज बनाने के बाद में आपको मेंशन जरूर करना होता है एज एविडेंस बाय ये इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट यूनिट में हम जब डिस्कस करेंगे तो उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ असेसमेंट फैक्टर्स फिजिकल सेटिंग क्लाइंट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर कम्युनिकेशन स्किल प्रॉब्लम नर्स पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर नर्स नॉलेज एंड स्किल तो ये कुछ फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस को असेसमेंट ऑफ हेल्थ या फिर असेसिंग द हेल्थ के लिए आपके दो मेथड होते हैं एक होता है हिस्ट्री कलेक्शन का उसको हम लोग कहते हैं हेल्थ हिस्ट्री नेक्स्ट आपका होता है फिजिकल एग्जामिनेशन कि एक बेसिक सा क्वेश्चन है वाइवा में पूछ लिया जाता है इसीलिए इसको अलग से मैंने लिख दिया जिससे आपको याद रहे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इंटरव्यू टेक्निक आपके सिलेबस में मेंशन है इंटरव्यू टेक्निक एंड ऑब्जर्वेशन टेक्निक इंटरव्यू टेक्निक आपको नाम से पता चले कि इसमें जितने भी इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे या गैदर करेंगे वो सब हम लोग पेशेंट से पूछ के करेंगे इंटरव्यू का मतलब होता है कम्युनिकेट करके करेंगे आप इसकी डेफिनेशन पॉइंट में मेंशन है आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन फैक्टर्स विच में अफेक्ट द पेशेंट इंटरव्यू इंक्लूड एक्टिव लेसलिंग नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डिस्टेंस एंड पर्सनल स्पेस दीज फैक्टर कैन आई द पॉजिटिवली और निगेटिवली इम्पैक्ट ऑन द इंटरव्यू इंटरव्यू टेक्निक्स का मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी जैसे एक पेशेंट है एक मेडिसिन वार्ड में एडमिट है तो सबसे पहले आप उससे कैसे पूछते हो कि आपको ची आपको क्या क्या तकलीफ है चीफ कंप्लेन आपकी हो गई आपको सिम्टम्स uh, के ऑनसेट के लिए आप ये पूछते हो कि आपको ये बीमारी कब से है आप इससे पहले uh, कहीं भर्ती थे हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइज हुए थे या नहीं हुए थे मतलब जैसे पेशेंट को कंफर्टेबल है अगर जैसे uh, अगर वो इंग्लिश में कंफर्टेबल एजुकेटेड है तो आप उससे वैसे बात करेंगे तो हिंदी में भी बात करते हैं ये डिफ्रेंशिएट रहता है तो जो पेशेंट कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज को आप यूज करेंगे लेकिन आप पेशेंट से पूछ के तो क्लियर करते कि उसको कोई प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री या पास्ट मेडिकल हिस्ट्री या पास्ट सर्जिकल या प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री कुछ नहीं है तो ये सब चीज़ें आप इंटरव्यू टेक्निक के थ्रू गैदर uh, करते हो या फिर कहते हो कलेक्ट करते हो इन्फॉर्मेशन को एक स्पेशली डायग्राम बना है बहुत ही सिंपल सा मेनली इस यूनिट में इसका कोई यूज़ नहीं है बट मैं आपको बता दे रही हूँ क्योंकि इसको डिटेल फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट नर्सिंग प्रोसेस नर्सिंग प्रोसेस के हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं स्टेप्स में सबसे पहले आपका स्टेप आएगा असेसमेंट का असेसमेंट के बाद में आपका आएगा डायग्नोसिस डायग्नोसिस के बाद में प्लानिंग प्लानिंग के बाद में इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन के बाद में इवोल्यूएशन अगर मैं बात करूँ असेसमेंट में आपके दो असेसमेंट आते हैं एक सब्जेक्टिव डेटा एक ऑब्जेक्टिव डेटा हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे यूनिट टू नर्सिंग डायग्नोसिस में नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन टेक्निक, ऑब्जर्वेशन टेक्निक का मतलब होता है जिसमें हम लोग पेशेंट के डेटा को कलेक्ट करते हैं बाय अ मेथड ऑफ ऑब्जर्व हम उसमें पेशेंट की कंडीशन को क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे इससे हम लोगों का असेसमेंट कॉन्स्टेंटली और क्लियर रहता है अब ऑब्जर्वेशन uh, टेक्निक में फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को इंग्वाइनल हार्निया है इंग्वाइनल हार्निया के लिए रिंग ऑनक्लूजन टेस्ट आप फिंगर्स uh, से फील करते हैं तो वहां पे जहाँ पे प्रोट्यूशन होता है हर्निया का वहां पे आपको ऑब्जर्वेशन पे मिल जाता है साथ ही साथ आप पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करने का तो उससे कफ के लिए कहेंगे जब वो कफ मतलब खासेंगे तब वहां पे जहां पे भी हर्निया होगा वहां पे प्रोड्यूज आउट होगा मतलब कि बल्ज उभरेगा उभरेगा तो उसे आप कंफर्म कर लेंगे कि हाँ इनको कौन सा हारणिया है जैसे कि फेमोरल हारणिया है या इंग्वानल हर्निया एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको क्लियर हो जाए कि ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या होता है अगर डिफरेंस आए ऑब्जर्वेशन टेक्निक और इंटरव्यू टेक्निक में तो आप स्पेशली एग्जाम्पल के थ्रू से मेशन कर सकते हैं हम डिस्कस करें सिलेबस के अकॉर्डिंग इंटरव्यू टेक्निक हमने डिस्कस कर लिया ऑब्जर्वेशन टेक्निक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ऑफ हेल्थ असेसमेंट हम, हम, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ हेल्थ असेसमेंट प्रोसेस में आपके दो हेडिंग्स आएंगे एक आएगा आपका हेल्थ हिस्ट्री दूसरा आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हेल्थ हिस्ट्री में जितना भी आप हिस्ट्री कलेक्शन के डेटा या फिर हेडिंग्स लिखते हैं वो सब आपका अंडर में आ जाएगा हेल्थ हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री कलेक्शन में फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड टू टो एग्जामिनेशन आपका आ जाएगा फिजिकल एग्जामिनेशन में अगर ये टेन uh, मार्क्स में आ रहा है तो आपको हर एक पॉइंट को मेंशन करना है अगर ये मिनिमम फाइव मार्क्स आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसकी डेफिनेशन को मेंशन करेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथड्स मैथड्स में आपका आएगा इंस्पेक्शन पार्पेशन परकशन ऑस्कल्टेशन एंड ऑलफेक्शन सो विदाउट वेस्टिंग आर टाइम लेट एस स्टार्ट मैथड्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट फिजिकल असेसमेंट के मैथड्स आपने सीरीज से पढ़ने होते हैं या फिर आप कभी भी करते हो तो सीरीज से करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका इंस्पेक्शन है फिर पार्पेशन है फिर प्रोकर्शन फिर ऑस्कल्टेशन फिर ऑलफेक्शन ऑलफेक्शन का इतना यूज़ नहीं है बट हाँ बाकी फोर का यूज़ बहुत ज़्यादा है इंस्पेक्शन पार्पेशन प्रकाशन ऑस्कल्टेशन इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे हमारे इंस्पेक्शन से इंस्पेक्शन में क्या होता है आप एग्जामिनेशन करते हैं विजुअली मतलब कि आप देख के पेशेंट को असेस करते हैं इसमें हम लोग अपनी नेगेटाइज का यूज़ करते हैं जिससे डिटरमाइन करते हैं उनके स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग को फॉर एग्जाम्पल हम इंस्पेक्शन uh, में क्या करते हैं पेशेंट का साइज कलर सिमेट्री पोजिशन और उनके डिविएशन uh, कोई भी म्यूकस प्रेजेंट है कि नहीं कोई भी स्मेल uh, है कि नहीं तो ये सारी चीज़ हम किस में आएगा इंस्पेक्शन में आएगा आप एग्जाम्पल के साथ ही कर सकते हैं जिसमें आप देख सकते हैं इसमें ओरल एग्जामिनेशन एक हेल्थ केयर वर्कर अपनी नेगेड आई से पर्सन में माउथ को एग्जामिन कर रहा है नेक्स्ट मेथड आपका है पालपेशन पालपेशन का मतलब होता है हम लोग पालपेट करेंगे मतलब कि को अपने हैंड uh, से कोई भी बॉडी पार्ट का पर्सन का क्या करेंगे फील करेंगे उसमें पोजीशन ऑर्गन की चेक करते हैं पालपेशन में uh, सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पल्स को पालपेट करना पल्स अगर आप पालपेट करो तो क्या करते हैं हम लोग आप फिंगर का यूज़ करते हो और वहाँ के आर्टरीज पे रखते हैं आर्टरी के बाद में फिर उनको काउंट करते हैं तो ये क्या होता है कि पल्स uh, को आप क्या करते हो काउंट करते हो राइट तो वो एक तरीका होता है जिससे हम लोग कह सकते हैं पापेशन में जिसमें हम लोग ऑर्गन्स को देखते हैं फॉर एग्जांपल एक मैं बताऊंगी जब कभी भी ये पेशेंट सुपाइन पोजीशन पे है और उनको लीवर इलार्जमेंट होता है तो कोई भी जैसे हेल्थ केयर वर्कर लीवर जहाँ पे पोजीशन है वहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करता है और लीवर का रीजन के अकॉर्डिंग उसका प्रेसमेंट हाई रहता है या फिर उसमें मतलब एरिया ज़्यादा रहता है तो उससे इन्ार्जमेंट ऑफ लीवर क्लियर हो जाता है तो ये एक एग्जाम्पल है जैसे आप समझ सकते कि कैसे आपको पालपेशन यूज़ करना है पालपेशन का भी अलग होता है कि जैसे कि दो टाइप्स के होते हैं एक लाइट पालपेशन होता है एक डीपर पालपेशन होता है ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है इसमें लाइट और जो आपका क्या होता है डीपर होता है जिसमें आपको मतलब कि किस बेसिस पे ये से वो सिर्फ आपको लेंथ की बेसिस पे कि अबाउट वन सेंटीमीटर या फिर कह सकता हाफ इंच रहेगा और जो आपका में रखा गया और जो आपका डीपर है वो कितना रहेगा आपका टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर और वन इंच तो इस डिफरेंस आप कह सकते हैं कि कौन सा आपका लाइट पालपेशन और कौन सा आपका डीप पालपेशन है पालपेशन कभी भी करें तो वाम हाथ से करें शोंगर फिंगर नेल से शॉर्ट फिंगर नेल से करें और जेंटल अप्रोच करना आपको जेंटल अप्रोच करना माना होता है सिंपली करना नॉट अ प्रेस कर देना बहुत सारे पेशेंट्स में प्रेस एकदम से नहीं करना होता है सिंपली आपको फील के अकॉर्डिंग करना होता है स्पेशल मेथड्स भी आते हैं जिसमें हम लोग फ्लूड को भी रिकॉग्नाइज करते हैं उन सब की टेक्निक्स अलग होती है लेकिन कभी भी करें तो एक सिंपल वे से स्टार्ट करें कोई भी स्टार्ट करें तो सिंपली उसको क्लियर करके कोशिश करें कि आपको स्टार्टिंग में फील हो नेक्स्ट आप उसके आगे असस करके उसकी कंडीशन को रिकग्नाइज करें अब एक डायग्राम देख रहे हैं डायग्राम ए एंड बी डायग्राम ए आपको बता रहे हैं कि ये लाइट पल्पेशन है जो प्रेशर अंगेज हो रहा है अंडरलाइन स्किन और टिश्यूज में जो आपका डायग्राम बी है वो आपका क्या है डीप पाल्पेशन का आपको सिंपली इस डायग्राम से क्लियर भी हो रहा होगा कि जो आपका लाइट पाल्पेशन वो देखिए ज्यादा नहीं प्रेस करा गया और जो आपका डीप है बहुत ही अच्छे से क्या है प्रेस करा गया है ये डिफरेंस है आपका लाइट पाल्पेशन और डीप पाल्पेशन में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे परकशन परकशन का मतलब क्या percussion है परकशन एक ऐसे एग्जामिनेशन मेथड है जिसमें हम लोग टैप करते हैं क्या करते हैं टैप करते हैं फिंगर्स को जिससे डिटरमाइन करते हैं इंटरनल ऑर्गन्स की साउंड को तो इसमें कैसे करते हैं इसमें सबसे पहले तो साउंड आपको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए परकशन में हम लोग क्या करते हैं साउंड को uh, देख साउंड को फील करते हैं या फिर साउंड को सुनते हैं तो साउंड में क्या देखते हैं साउंड में रिजनेंस देखते हैं हाइपर रिजनेंस देखते हैं टिम पैनी देखते हैं डल और फ्लैट देखते हैं आपने फिजिकली एग्जामिनेशन करोगे तो आपको ज्यादातर डल साउंड मिलता है लंग्स में रिजनेंस हाई कहाँ मिलती है आपको हार्ट में मिलती है तो ये चीज आपको तब क्लियर होगी जब आपने इन साउंड को सुना होगा वो अगर आपने एनजी ट्यूब करी करोगे तो वहां पे जब हम लोग इंसर्शन के बाद में फिफ्टी एम एल से जब एयर पुश करते हैं स्टेटोस्कोप को रख के जब हम लोग सुनते हैं तो वहां पे कैसी आवाज आती है गार्गलिंग साउंड आती है तो वो सारी साउंड्स आपको तब क्लियर होंगे जब आप उनको क्या करोगे एग्जामिनेशन में फील करोगे आपको एक या दो तीन वॉइस तो पता होनी चाहिए कि कैसी रहती है नेक्स्ट इसके डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा इस डायग्राम में बहुत ही सिंपल सा है ये पेशेंट का हाथ है उस पेशेंट के हाथ में ये देखिए फिंगर है फिंगर के आपको इस तरीके से टैप टैप करना है इस टैप से आपको क्या रहेगा साउंड का डिटर्मिनेशन रहेगा अब जैसे कि कोई भी फ्लूड होता है फॉर एग्जाम्पल आप स्टमक में फ्लूड एक्मिलेशन है तो स्टमक क्या रहेगा पहली चीज़ तो टाइट रहेगा स्वेल रहेगा अगर लूज है तो आप उस हिसाब से कर सकते हो कि कैसा फ्लूड है टाइट है तो कैसे क्या जब आप उसको टैप करोगे तो वो साउंड फ्लूड ऑफकोर्स बात है जो फ्लूड है वो हिलेगा फ्लूड मूवमेंट करेगा जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा उस साउंड से आप एसेस कर सकते हो कि कौन सी डिजीज कंडीशन डेवलप है पेशेंट में आपके एग्जामिनेशन प्रकॉशन के मैथड से ये टेबल बहुत हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छे से मैंशन है कि एरिया परकर्स में आपको क्या है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एरिया की तो उसमें लंग्स है बोन मसल्स है लीवर है विस्त्रा है स्टमक है गैस इंटेस्टाइन में एयर ट्रैप्ट है जैसे इम्फाइसीमा कंडीशन में तो इसमें नॉर्मल और एक्सपेक्टेड साउंड क्या रहते हैं तो आप इस टेबल uh, के थ्रू सिर्फ क्लियर कर सकते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको कैसे साउंड्स मिलेंगे नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ परकशन परकशन के तो भी uh, भी दो मेथड्स होते हैं एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट डायरेक्ट में क्या होता है हम लोग डिजिटल एंड ऑफ फिंगर से डायरेक्टली पेशेंट को टैप बॉडी में टैप करते हैं इनडायरेक्ट में क्या होता है हम लोग कोई भी इंडेक्स फिंगर या मिडिल फिंगर को रखते हैं पेशेंट पर और दूसरे हाथ के स्ट्राइक uh, करते हैं मिडिल फिंगर से उसमें टैप करते हैं उस टैप से क्या होता है इनडायरेक्ट ये आपका क्या है इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट में आपका एक है जिसमें आप रबर हेड मतलब कि को लेते एक स्टिक होती है स्टिक से हम लोग पकड़ते हैं और यहाँ से हम लोग टैप करते हैं जैसे नीज पे या फिर एल्बो पे फिर उसका मूवमेंट होता है उस मूवमेंट से भी हम लोग क्लियर करते हैं नेक्स्ट अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ना क्लियर हो तो किसका सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू से आपको क्लियर करती हूँ ये पेशेंट का हैंड है आपको एग्जाम मतलब एज अ सोचना पड़ेगा समझने के लिए और हम हेल्थ केयर वर्कर मेरा जो डायरेक्ट है डायरेक्ट में क्या रहेगा हमारा सिर्फ और सिर्फ एक हैंड का यूज करके हम टैप टैप करेंगे लेकिन जब हमारी इनडायरेक्ट आएगी तो एक हाथ मेरा उस कंडीशन पर रहेगा और दूसरा हाथ मेरा उस पर टैप करेगा ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिफरेंस नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑस्कल्टेशन ऑस्कल्टेशन में भी हम लोग साउंड को लिसन uh, करते हैं बॉडी में जो भी फ्लूट्स का होता है बट इसमें यूज़ करते हैं जैसे कि स्टेथोस्कोप का फीटोस्कोप का और अभी मैं आपको बता दूँ फीटोस्कोप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फीटोस्कोप का आपको पर्पस एटलीस्ट थ्री पता होने चाहिए क्योंकि मेरी ऑस्की टाइम पे फीटोस्कोप था और फीटोस्कोप के पर्पज हम लोगों को दो दो लेते हैं ये एग्जामिने फीटस के एग्जामिनेशन में हेल्प करता है और फीटस के साउंड में हेल्प करता है लेकिन जब आपके सामने एकदम से फीटोस्कोप होता हैं तो हमें मैं नहीं पता होता तो ये आ, इसका यूज क्या और अगर मैं फीटोस्कोप का डायग्राम बताओ एज अ सिंपली ये फीटोस्कोप का डायग्राम रहता है इस तरीके से था और अंदर से पूरा हॉलो में था और मुझे नहीं समझ रहा था ये क्या है बट वो मेरा एक इंटरनल में था तो अब हम लोगों को क्लियर हो गया था कि इसका नाम फीटोस्कोप है और इसके हमें पर्पस करने क्योंकि ये एक्सटर्नल में भी हमें मिल सकता है जब मुझे क्लियर होगा तब मैंने इसके पर्पस लर्न कर लिया था और एक्सटर्नल में फीटोस्कोप मुझे मिल गया था तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी इस टाइप का आपको मिल रहा है नया सा जैसे कि अभी हम लोगों ने रिफ्लेक्स हैमर करा तो हैमर आपको पता है बहुत ईजी रहता है आपने बहुत रील्स में देखा होगा बस आपको उसके क्या होने चाहिए इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए कि उसका हम यूज क्यों कर रहे हैं अगर बात चल रही है तो मैं तुरंत आपसे कहूंगी कुछ फॉरसेप के नाम आपको तुरंत पता होने चाहिए जैसे कि चिटल फॉरसेप का क्या काम है आर्ट्री फॉरसेप का क्या काम है टूथ फोट्सप का क्या काम है और नॉन टूथ फॉरसेप का तो ये सारी चीज़ें आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए औसके टाइम पर बहुत सारा बर्डन हो जाता है क्योंकि फाइल भी बहुत मिलती है और क्लिनिकल पोस्टिंग भी बहुत होती है तो अभी से आप करते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो हम अपने टॉपिक पे रहते हैं हमारा टॉपिक था ऑस्कल्टेशन ऑस्कल्टेशन में हम लोग साउंड को हेयर करते बट uh, किसी भी डिवाइस से जैसे कि कोई भी यूज़ uh, करके जैसे कि स्टेटोस को फिटोस इसमें हम लोग डिटेक्ट करते कि साउंड कैसा है लो पिच का हाई पिच का है उसकी इंटेंसिटी क्या है उसकी पिच क्या है उसका ड्यूरेशन का उसकी क्वालिटी क्या है ऑस्कल्टेशन भी डायरेक्ट और आपका इनडायरेक्ट मतलब टाइप्स में अगर मैं बात करूँ तो दो तरीके का होता है नेक्स्ट एक आप टेबल देख रहे हो इसमें सिंपली आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे साउंड होते हैं उसकी इंटेंसिटी पिच लेंथ क्वालिटी और एग्जाम्पल ऑफ ओरिजिन ये टेबल आप मतलब लर्न मत कर लीजिए कम बट समझ लीजिए क्योंकि लर्न तो एज यूजल नहीं हो पाती है आप कंफ्यूज रहेंगे और गलत करेंगे इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा कि किस अकॉर्डिंग हम लोग ऑस्कल्टेशन में यूज करते हैं नेक्स्ट मेथड है ऑलफेक्शन ऑलफेक्शन में हम लोग असेसमेंट करते हैं यूजिंग द सेंस ऑफ स्मेल ऑलफेक्शन से आपको क्लियर हो जाएगा स्मेल इस से इसमें क्या होता है अ वेल डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल इनेबल्स अ नर्स टू डिटेक्ट ऑर्डर दैट अ करेक्टर स्टिक ऑफ सर्टेन कंडीशन सम अल्टरेशन इन बॉडी फंक्शन एंड सर्टेन बैक्टीरिया क्रिएट करेक्टर ऑर्डर फॉर एग्जाम्पल द फिशी स्मेल ऑफ इन्फेक्टेड यूरिन अब ऑलफेक्शन मेथड में क्या होता है आपको अपनी हेल्थ केयर वर्कर को अपनी नोस का यूज करके सेंस ऑफ स्मेल का यूज़ करके क्या करना होता है स्मेल करना होता है उसके बाद एसेस करना होता है कि नॉर्मल स्मेल है कि नहीं है और फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जिसमें फिश स्मेल आ रही है तो वो यूरिन कैसी इन्फेक्टेड है और नॉर्मल स्मेल रहेगी तो ऑफकोर्स ही बात है उसमें कोई भी डिजीज़ कंडीशन है अगर एबनॉर्मल तो ऑफकोर्स ही बात है उसमें कोई बैक्टीरिया या फिर कोई डिजीज़ कंडीशन है जो मैं आपको रिफ्लेक्स बता रही थी उसका ये डायग्राम है और ये हैमर है सेमर से रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं तो ये जितना भी आपको फाउंडेशन में डायग्राम मिल रहा है और हेडिंग्स में रहा है आप उससे अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन में है प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट अगर आप पेशेंट को प्रिपेयर कर रहे हो फिजिकल असेसमेंट के लिए तो सबसे पहले पेशेंट को आपको कुछ इन्फॉर्म करना होता है प्रोसीजर करने से पहले उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इसमें हेडिंग्स है और मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन कर दे रही हूँ उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है पेशेंट को सबसे पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको एक बताती हूँ कि आपने एक पेशेंट अलॉट हुआ है उस पेशेंट को आपको फिजिकल एग्जामिनेशन करके एक फाइल बना के अपने टीचर को सबमिट करना है तो सबसे पहले आप क्या प्रिपेयर करोगे एक इन्वायमेंट को एन्वायमेंट में क्या करोगे अगर पेशेंट को प्राइवेसी चाहिए तो आप क्या करोगे स्क्रीनिंग प्रोवाइड करोगे या फिर कोई एक ऐसी जगह जहाँ पे वो सिंगल बेड है वो अकेला है अलोन है उससे कोई भी प्राइवेसी की जरूरत नहीं है तो आप उस तरीके से उसको एन्वायरमेंट प्रोवाइड करोगे इन्वायरमेंट में क्या होगा उसका बेड होगा उसकी क्लीन बेड होगा साथ ही साथ आपके पास सारी इन्वायमेंट में जितनी भी आपकी चीजें होती हैं जितना भी प्रोसीजर टाइम पे आपको जरूरत होगी वो सब आपको प्रिपेयर करके रखना है अपना जितने भी मतलब जरूरत के टाइम पे रहता है ना तो वो सब आपको प्रिपेयर करना है साथ ही साथ एन्वायरमेंट में आपका आ जाएगा लाइटिंग का आपको लाइट प्रॉपर रख रहे हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको आप देखोगे ना लिसेंस तो नहीं है कोई कोई मैक्यूज पेप्यूज तो नहीं प्रेजेंट है पोस्चर भी आप देखते हैं साथ ही साथ आप कैपेलरी रिफिल भी देखते हैं तो ये सारी चीजों के लिए आपको लाइटिंग होनी चाहिए लाइटिंग के साथ में ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा शोर हो क्योंकि उस टाइम पे आप अपने साउंड को नहीं सुन सकेंगे नहीं एवेलट कर पाएंगे और नहीं कलेक्ट कर पाएंगे डेटा को साथ ही साथ कंफर्टेबल बेड होना चाहिए जिसपे आप एग्जामिनेशन कर सको पेशेंट का तो ये क्या आपका प्रिपरेशन है इन्वामेंट का नेक्स्ट है आपको अपना प्रिपरेशन करने के लिए एक टेबल प्रिपेयर करना होता है जैसे कोई भी प्रिपेयर कोई भी आप के प्रोसीजर करने जा रहे होते हो तो आप ट्रे प्रिपेयर करते हो ना जैसे कहते नहीं प्रोसीजर में आर्टिकल्स में आ ट्रे हैविंग किडनी ट्रे पेपर बैग स्टेटोस्कोप रिफ्लेक्स आर्क या फिर कह सकते हो है, हैमर तो टॉर्च थर्मोमीटर वॉच तो ये सारी चीज़ें आपको अपने उसमें प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट है मेंटल प्रिपरेशन मेंटल प्रिपरेशन में कोई भी पेशेंट या पर्सन हॉस्पिटल आता है तो थोड़ी से उसका एन्जाइटी लेवल हाई हो जाता है कहीं ना कहीं उसकी हेल्थ अफेक्ट करते हैं तो उसके मेंटली आपको काम रखना उसको ये बताने कि आपका फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी इससे आपको पत इससे हमें पता चलेगा कि आपको कौन सी बीमारी है तभी हम आपका इलाज कर पाएंगे और हम आपको जल्द से जल्द सही करने की कोशिश करेंगे आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा हम इस प्रोसीजर को या इस प्रोसेस को वहीं पे रोक देंगे आपको उनको वैसे समझाना है जिस तरीके से वो समझ सकते जैसे उनको कोई प्रॉब्लम ना हो मेन हमारा वर्क है पेशेंट के लिए अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हम जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करेंगे अब कोई कोई पेशेंट्स थोड़े से शाये भी होंगे फॉर एग्जाम्पल अगर आप फिजिकल एग्जामिनेशन करने जाएंगे तो वो नहीं अपने आप में ओपन हो पाएंगे नहीं आपको एग्जामिन करने लेंगे तो उसके लिए आपको मेंटल स्टेबल करना होगा कि आपका एग्जामिनेशन ज़रूरी है इससे आपके है आपको क्यों इसका करना है तो आपको उसको बताना पड़ेगा तो ये कि उनको क्या है मेंटल प्रिपेयर करना होगा और सबसे बड़ी बात आप डरिए मत आप परेशान मत होइए हम आपकी बात को नहीं लीक करेंगे कुछ ऐसी बात होती है जो पेशेंट नहीं किसी से शेयर करता वो हेल्थ केयर वर्कर से करता है लेकिन हेल्थ केयर वर्कर को क्या करना होता है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करना होगा फिजिकल असेसमेंट फिजिकल असेसमेंट में जब भी भी आप करेंगे तो पेशेंट को चेक करेंगे पेशेंट के नेम एज सेक्स को चेक करेंगे उसका हाइट वेट चेक करेंगे साथ ही साथ जो आईपी नंबर होता है या फिर ब्रेसलेट कार्ड होता है वो आप चेक करेंगे पेशेंट को कभी भी बुलाए ना तो अच्छे से बुलाएं अच्छे से बुलाने के होता है ना मिस्टर एंड मिस का यूज़ कर सकते हैं आप ये नहीं है आप बहुत गंदे तरीके से हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं आपको भी पता है उस तरीके को आप मत यूज़ करिएगा कभी भी आप फाइल लिखेंगे एग्ज़ाम में तो मिसटर करके या मिस करके आप यूज़ करेंगे और कभी भी आप पेशेंट के बारे में अपने टीचर्स को बताएं या फिर अपने एग्जामिनर को बताएं तो इस तरीके से बताएं ये कुछ नॉर्मल सी बात होती है जो बच्चे मिस कर देते हैं और जो आपको क्या प्रॉब्लम करता है आपके एग्जाम में तो मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बता दिया कि प्रिपरेशन ऑफ द पेशेंट में आपको क्या प्रिपेयर करना है नेक्स्ट अगर आप देखते हो तो इसमें बुक में तो बहुत सारे पॉइंट दे रखे अब वो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं वो तो मैं नहीं जानती लेकिन हाँ जो चीज़ आपको नॉर्मल प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया आप उस तरीके से पॉइंट मैंशन कर सकते हैं मेनली हम लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है कुछ टॉपिक्स है जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन हर एक प्रोसीजर का अलग से होता है जिसमें आपको डेट टाइम मेंशन करके आपका पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं वो लिख के वेल कॉपरेटिव है कि नहीं उसको कंफर्टेबल पोजिशन है उसके बाद में आपको मैंशन करके अपना साइन करना होता है तो ये आपका क्या आता है डॉक्यूमेंटेशन असेसमेंट एज बॉडी सिस्टम का से वो सिर्फ मैंशन है लेकिन एग्जाम पर्पस में नहीं आता है आप इसको खुद से कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हो हेल्थ असेसमेंट यूनिट रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैंशन कर दीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू